हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। आज मैं आपको बताती हूँ बिग मिदास वेंडर एप्लीकेशन पर लॉजिस्ट या फिर रूम वाले वेंडर कैसे अपने स्टोर लॉजिस्ट को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अब हमें जाना है फ्रेंड्स बिग मिदास वेंडर एप्लीकेशन पर। जाने के बाद अब हमें यहाँ पर रेड लेबल वाले जो दो बटन दिखाई देंगे, एक हो क्रिएट योर अकाउंट एंड नेक्स्ट होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्लिक हियर टू लॉग इन। अब हमें जाना है क्रिएट योर अकाउंट पर न्यूली रजिस्टर के लिए, देन फुल नेम यहाँ पर एंटर कर देनी है, देन यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करनी है, ये हो गया। देन यहाँ पर फोन नंबर एंटर कर देना है फ्रेंड, जो भी आपका फोन नंबर होगा यहाँ पर एंटर कर सकते हो इजीली। देन यहाँ पर OTP आपके फोन नंबर पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। देन पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट करना है, देन रजिस्टर करने के बाद अब हमें जाना है स्टोर लिस्टिंग पर। जाने के बाद अब हमें यहाँ पर दिखाई देगा योर शॉप नेम। योर शॉप नेम पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपका जो भी लॉजेस होगा या रूम्स होंगे, जो भी आपका स्टोर होगा यहाँ पर एंटर कर सकते हो। देन ये हो गया। देन यहाँ पर सेलेक्ट शॉप कैटेगरी, जो भी आपकी शॉप कैटेगरी होगी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। देन नेक्स्ट स्टेप पर अब हमें करनी है लोकेशन को सेलेक्ट, जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ये हो गया। देन अब हमें सेलेक्ट स्टेट करनी है, जो भी आपकी स्टेट होगी यहाँ पर इजीली एंटर कर सकते हो। जो भी आपकी सिटी होगी यहाँ पर एंटर कर सकते हो आप। देन यहाँ पर एरिया एंटर करनी होगी, देन नेक्स्ट पर एंटर एड्रेस, देन नेक्स्ट स्टेप पर अब हमें करनी होगी पैन या आधार को सेलेक्ट। देन यहाँ है कि पैन कार्ड को अपलोडेड एंड ट्रेड लाइसेंस को भी अपलोड करनी है फ्रेंड्स, आपके पास हो तो करना है यहाँ पर अपलोड लाइसेंस। ये हो गया। देन यहाँ पर FSSAI लाइसेंस को भी अपलोड करनी है फ्रेंड, जो भी आपके लॉजेस या रूम्स का लाइसेंस होगा ना अग्रीमेंट यहाँ पर एंटर कर देनी है फ्रेंड्स। आपके पास हो तो कर सकते हो, आपके पास ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी यहाँ पर अपलोड कर देना। देन यहाँ पर योर स्टोर फोटोज यानी कि आप लॉजेस एंड रूम्स की फोटोज को यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो भी आपकी लॉज होगी यहाँ पर एंटर कर अपलोड कर देनी है फोटो को। ये हो गया अपलोडेड, देन रजिस्टर। ये हो गई फ्रेंड रजिस्टर, एक्शन कंप्लीटेड हो चुका है। अब हमें मिल जाएगा ऑर्डर फेजर, ऑल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर और टोटल प्रोडक्ट। ऑल ऑर्डर्स पर आप जितने भी ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आपको चेक करनी होगी। और राइट में जो मेंबरशिप के राइट में सर्कल है यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन डेज मिल जाएंगे, और ऊपर जो बेल आइकन है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे फ्रेंड। और लेफ्ट साइड में शेयर ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप इजीली शेयर भी कर सकते हो। देन आपको टॉप में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देंगे फ्रेंड, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यह होगा डैशबोर्ड बिग मिदास वेंडर एप्लीकेशन वाला। यहाँ पर जो ग्रीन लेबल वाला एक्टिव स्टेट दिखा रहे ना, इस पर आपको क्लिक करने पर एक्टिव मतलब आपका स्टोर अब कस्टमर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एक्टिव स्टेट पर क्लिक करने पर आपका स्टोर यानी कि लॉज अवेलेबल होगी। अगर आप इनएक्टिव कर देते हो तो आपकी लॉज अनअवेलेबल हो जाएगी। अब हमें करनी है एक्टिव, देन अब हमें जाना है प्रोफाइल सेटिंग पर। आप करनी है हमें प्रोफाइल सेटिंग, आप डिलीवरी भी दे सकते हो और पिकअप ऑप्शन भी दे सकते हो इजीली।
लॉजेस एंड रूम्स के लिए तो पिकअप ऑप्शन ही बेटर है, मैं देती हूँ पिकअप ऑप्शन। देन ये हो गया। देन अब हमें जाना है, प्रोफाइल सेटिंग हो गया है, अब हमें करनी है ऐड प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब जो भी आपके रूम्स होंगे, सिंगल बेडरूम या फिर लग्जरी रूम्स, जो भी होगा यहाँ पर एंटर कर देना है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर सब कैटेगरी भी मिल जाएगी आपको। देन यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस एंटर करनी होगी इसकी, MRP या GST मिलाकर इसको ओरिजिनल प्राइस है। एंड डिस्काउंट में देना चाहते हो तो दे सकते हो। देन यूनिट, देन स्टॉक, देन डिस्क्रिप्शन। जो भी आपके पास फैसिलिटीज होंगी यहाँ पर एंटर कर देना है। ये हो गया। देन यहाँ पर फोटो को ऐड कर देनी है फ्रेंड्स। ये हो गया ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट एडेड। ओके, अब हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट को भी ऐड कर देनी है फ्रेंड्स। देन यहाँ पर ऐड करनी होगी लग्जरी रूम। नेक्स्ट सब कैटेगरी। देन यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस इसकी, डिस्काउंट में देना चाहते तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। देन इसका यूनिट, देन स्टॉक, यानी कि रूम जितने भी अवेलेबल होंगे यहाँ पर एंटर कर देनी है। देन डिस्क्रिप्शन, देन ये हो गया। यहाँ पर फोटो को ऐड कर देनी है। ये हो गया। देन ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एडेड। ओके, देन अब हमें करनी है एडिट भी कर सकते हो फ्रेंड्स, आप डिलीट भी कर सकते हो, एडिट प्रोडक्ट कर जाके भी कर सकते हो। अब हमें कर देनी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे, लेकिन अब हमें फर्स्ट मंथ के लिए करनी होगी 118 रुपीज वाली 30 डेज वाली ऑफर को ही चॉइस करनी होगी। देन पे नाउ, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जिससे चाहे कर सकते हो। ये हो गया। ये हो गया एक्शन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है हमारा 30 डेज के लिए। अब सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब हमें जाना है कस्टमर एप्लीकेशन में, जो भी हमने लॉजेस एंड रूम्स वाली स्टोर क्रिएट की है ना, अब हमें जाके वहां पर चेक करके यहां पर एक ऑर्डर को प्लेस करनी है फ्रेंड्स। मैं बताती हूँ, यह है इसका पेज। यहाँ पर आपको मिल जाएगी जो भी हमने ऐड किया है, सिंगल रूम है फिर तो लग्जरी रूम, इसे ऐड कर देनी है कार्ड पर। सक्सेसफुली एडेड टू कार्ड, देन कार्ड पर जानी है। कार्ड पर जाने के बाद चेकआउट, एड्रेस ऐड करनी हो तो एड्रेस पे ऐड कर देना। ये हो गया फ्रेंड्स, जो भी हमने ऐड करना था कर दिया। अब हमें करनी है कंटिन्यू, सक्सेसफुली ऑर्डर्ड हो चुका है। अब हमें जाना है ओके देने के बाद वेंडर एप्लीकेशन पर जाके अब हमारी ऑर्डर्स को चेक करनी होगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, जो भी हमने ऑर्डर दिया था यहाँ पर आ चुका है। देन अब हमें करनी है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, कॉलों पर भी बात कर सकते हो, लोकेशन भी देख सकते हो। मैं करती हूँ एक्सेप्ट। ये हो गई एक्सेप्टेड। जितने भी मुझे ऑर्डर्स आएंगे यहाँ पर दिखाई देंगे फ्रेंड। अब हमें जानी होगी कन्फर्म ऑर्डर्स पर। यहाँ पर अब हमें कम्प्लीटेड करके क्लिक कर देनी है फ्रेंड। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ये हो गया है फ्रेंड्स।
डिलीवर्ड होने के बाद डिलीवरी का मैसेज आ जाएगा, एक्सेप्ट होने के बाद एक्सेप्टेड बाय वेंडर करके मैसेज जाएगा फ्रेंड्स नोटिफिकेशन पैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सीरीज को कंटिन्यू रखना, और जो कुछ भी आपको स्टोर्स ऐड करनी होगी इस वीडियो के थ्रू आप ऐड कर सकते हो इजीली। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।